दिना व्यतीत बहुत दो दिना तीन दिना चार दिना पांच दिना है गई भीषम ने परशुराम ने की पांचवें दिना भीषम रुक जा काओ गुरु जी देख सुन अब तक लड़ाई दिन दिन में होती अब दिन और रात दोनों में लड़ाई हुई भीषम ने कही मैं हूं परशुराम को चेला हूं तुम दिन रात की कह रही हो मैं कह रहा हूं पांच दिन लगातार हुई ना दिन में बंद हुई ना रात में बंद हुई परशुराम के हाथ पाए भूल गए भगवान मैंने दिन रात की कही है जिप पांच दिन की कह रहे हैं तो जाकर मतलब हर विवाह ना सो पांच दिन ना हुई ग्यारह दिन लगातार हुई भीषम ने कही गुरु जी मोदी परशुराम को चेला कहते हैं ग्यारह दिन नहीं एक महीना लड़ाई चली पीछे हटवे के लिए तैयार ना हो सोई परशुराम के हाथ में थे फसा छूट करो भगवान जी का मर रो है जी जी कब आरे बाना अब बिटिया ने विचार करो और उठ के आई दोनों के बीच में खड़ी है कि जालम परशुराम जालम भीषम रुक जा कहे अब काले भी आई है सुनो तुम जाके गुरु हो जितना चेला है तुम जाए ना मारे हो जित में ना मारे हो मोह माल में पागल मोह बना रहे हो तुम दू महात्मा ने की देख रहे सबरे महात्मा मर गए एक आध रहे गो बस पाया भाई जय लगी रही है कि पागल बना रही है सुनो तुम जाए ना मारो जी तुम्हें ना मारे हो और मारूंगी मैं लेकिन आज ना मार रही अगर जाने मोह इतना दुख दोए तो मैं जाए मारूंगी तो हती लेकिन कब तो आज वो पिटिया अम्बालिका और भीषम को श्राप दे रही है कौन सा लिखा अरे सुन भीषम धर ध्यान महाभारत में आज नहीं आज तो बहुत दिन बाद तेरे हस्तिनापुर में एक युद्ध होगा महाभारत अरे सुन भीषम धर ध्यान अरे महाभारत में और लग जाई झंडी है युद्ध में मैं शिखंडी बन करके आऊंगी ध्यान देना अरे दुष्ट तू बाई दे न मरे जाएगो अरे धर्म बाई दे न मरे जाएगो और तेरा जाएगो फूटी घड़ा को पाप से भरी जाएगो अम्बालिका नाम की लड़की जाकर के शिखंडी बनी थी जो महाराज द्रुपद के घर में पैदा हुई थी जान देना सब लोग अरे सुतानी ते पजारी है को लगाई गई श्राप देख रहे तब ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी
उसी समय भीष्म को श्राप दे करके अपने शरीर में अग्नि प्रकट की, उसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए उस अम्बालिका नाम की बिटिया ने। भाग बड़े महलों सन के दिन के पुत्र भय बलिदानी, जय पाताल मैया की करी भाई देख रही है सवरी रजदानी। जय पाताल मैया की करी भाई देख रही सवरी रजदानी, देखियन यज्ञ वही बकी पावक ज्योति वही गहरानी। ज्योति मैया गहरानी मेरो विचार यही सचनी।